बशीर एंड आई वेलकम पब्लिशनिंग दिग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल इस वीडियो में हम गोहर स्किल ऑफ इंग्लिश नर्सरी का पेज नंबर थर्टी एट से फोर्टी वन करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर सो वर्ट कम्स आफ्टर लेटर खे इ एल तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो दिस इज पेज नंबर थर्टी एट एंड आवर लेटर नेम इज एल एल लुक एंड से सो द लेटर नेम इज एल एंड द साउंड इज आपने क्या करना है आपने अपनी टंग को अंडर योर अपर टीथ टच करेंगे जस्ट लाइक दैट एल आपने इसको ला नहीं कहना सो टच योर लेग्स लेग्स एंड नाउ वॉक विद योर लेग्स सो वी हैव टू लेग्स सो आई एम टॉल सो आई हैव लॉन्ग लेग्स लॉन्ग एंड लेग्स अब हम ये देखते हैं कि हमारी बुक पे हमारे पास क्या क्या है जो ल से स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले ये देखें वेरी ब्यूटिफुल्प दिस इज और लैम्प को हम कब यूज करते हैं हम इसको रखते हैं अपने साइड टेबल पे या किसी कॉर्नर में या फिर ये होता है हमारे स्टडी टेबल के ऊपर और लैम्प स्टार्ट हो रहा है ल साउंड ल, से ल, ल, और आगे देखें वट इज इट इट्स अ लॉग 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 इज अ पीस ऑफ वुड ये देखें कि लकड़ी का एक पीस है अगर लकड़ी को आप ऐसे काट लें किसी छोट छोटे छोटे पीस में तो उसको हम बोलते हैं लॉग ल लॉग एंड दिस लॉग इज लॉन्ग इट्स अ लॉन्ग लॉग और इस ब्लॉग से हम क्या करते हैं बाद में इसकी कटिंग करके इसे फर्नीचर वगैरह या डिफरेंट चीजें बनाते हैं आगे देखें वट डू वी हैव हियर दिस इज एन इंसेक्ट एंड द नेम ऑफ दिस इंसेक्ट इज लेडी बर्ग वट इज इट इट्स अ लेडी बर्ग एंड वट इज द कलर ऑफ द लेडी बर्ग इट्स रेड एंड ब्लैक मुझे इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रेड के ऊपर ये ब्लैक ब्लैक डॉट्स होते हैं बग so, और आपको पता है लेडी बग इज फ्रेंडली इंसेक्ट ये बाइट नहीं करता आपको और ये बिल्कुल भी आपको इरीटेट नहीं करता और ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप इसको देखें तो सो दिस लेडी बग अब आप सोचें और मुझे बताएं कि ल से आपको क्या कुछ याद आ रहा है ल, letter. आ, आपके घर में लेटर्स तो आते होंगे जब अपना लेटर बॉक्स ओपन करते हैं तो उसमें पोस्टमैन क्या रख के जाता है लेटर्स लेटर्स और एक और चीज़ भी तो होती है जो वुड से बनी होती है उसको हम बोलते हैं लेडर क्या आपके घर में लेडर है वैसे मेरे घर में एक वुड की लेडर थी और मुझे उसके ऊपर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था और मैं उसके साथ खेलती भी थी और कुछ बच्चे क्या करते हैं लेडर के ऊपर चढ़ के और फिर उल्टी साइड से वापस आते हैं और ये एक टाइप की एक्सरसाइज भी होती है अगर आपके घर में भी लैडर है तो आप भी उस पर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं ओके नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द फॉर्मेशन से ट्रेस एंड राइट तो हम सब कैपिटल लेटर्स को लिखते हैं अबव थ्री लाइन्स के ऊपर सो दैट मीन ये देखें एल को तो हमने लिख लिया फर्स्ट थ्री लाइन्स के ऊपर अब ये देखें कि हमारा स्मॉल लेटर यानी जो साउंड है उसको हम कहा लिख रहे हैं उसके लिए भी देखें फोर्स थ्री लाइंस का यूज कर रहे हैं दैट मींस एल इज स्काई लेटर दैट्स राइट अब हम जल्दी से क्या करेंगे कैपिटल एल की ट्रेसिंग कर लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम डॉट पे पेंसिल रखेंगे और इन डॉटेड लाइंस को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे वन और टू के लिए हम स्लीपिंग लाइन बनाएंगे तो ये बन गया हमारा कैपिटल एल और स्मॉल एल के लिए हमने डॉट पे पेंसिल रखी स्ट्रेट लाइन बनाई नीचे लेके आए और स्लाइट खर्व सो दिस इज स्मॉल एल और द साउंड ऑफ द लेटर अब हम एक लेटर को और ट्रेस करते हैं स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन बनाएंगे सॉरी अब हम एक लेटर को और ट्रेस कर लेते हैं हमने क्या करना है डॉट पे पेंसिल रखनी है और हमने स्ट्रेट लाइन बनाई और स्लीपिंग लाइन कैपिटल एल डॉट पे पेंसिल रखी है और स्ट्रेट लाइन बनाए देन स्लाइट कर्व सो दिस इज स्मॉल एल अब हम करते हैं इंडिपेंडेंट राइटिंग उसके लिए हमारे पास ये फोर लाइंस हैं तो आप क्या करें एक डॉट यहाँ लगाएं एक डॉट यहाँ लगाएं तो इस पे हम लिखने वाले हैं कैपिटल एल स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट लाइन एंड स्लाइट कर्व सो दिस इज स्मॉल एल अब एक बार ओवर राइटिंग कर लेते हैं एक डॉट यहां लगाएं एक डॉट यहां लगाएं स्ट्रेट लाइन स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट लाइन को स्लाइट कर्व में आपने थर्ड लाइन तक टच करना है और ये बन गया हमारा स्मॉल लेटर एल अब हमारे पास है टीचिंग गाइडलाइंस तो टीचर्स बच्चों को करेक्ट लेटर नेम और लेटर साउंड बताएं और उसके अलावा एल से बनने वाले कुछ वर्ड्स और उसके साथ साथ लेटर एल की फॉर्मेशन भी बताएं और फॉर्मेशन बताने के साथ साथ आप बच्चों को इंक्रेज करें कि वो लेटर एल को ट्रेस करें जैसे कि एयर में टेबल के ऊपर सेंट्रे के अंदर और फिर आप बच्चों को हेल्प करें कि वो ट्रेस करें और इंडिपेंडेंटली लेटर एल को राइट करें। सो द पिक्चर स्टार्टिंग विद लेटर एल अब आपको दोनों साइड्स पे कुछ पिक्चर्स नजर आ रही हैं और सेंटर में कौन सा लेटर है दिस इज लेटर एल अब हम ये देखते हैं कि से क्या स्टार्ट हो रहा है

And the next one is Ladybug. L ladybug. That means we have to match Ladybug. And the last one is Clock. K clock. So, Clock matches nothing. Now, Color the picture that begins with letter L, L. So, we have two different pictures. The first one is Jelly. So, what is the beginning sound of Jelly? J. and the next one is lamp and what is the beginning sound of lamp? it's l that means we are going to color lamp and lamp can be in any color. तो so, जो dil cha raha है आप उस color को यूज कर सकते हैं जैसे मैंने इसके अपर पार्ट के लिए एक लाइट सा येलो कलर लिया है क्योंकि नॉर्मली इसका ये वाला पार्ट गोल्डन होता है क्योंकि यहाँ से लाइट बाहर आती है और आप इसका जो नीचे वाला पार्ट है वो किसी भी कलर में कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो इस तरह से आपने क्या करना है वाइट स्पेसिस को फिल करना है और स्ट्रोक्स को लगाना है एक साइड पे और सारे कलर को कंप्लीट कर लेना है अब हमारे पास कुछ टीचिंग गाइडलाइंस है सो टीचर्स आर गोइंग टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू सॉल्व द एक्टिविटीज सो दिस इज पेज नंबर फोर्टी डू एंड लर्न अगेन वी हैव एक्टिविटीज़ से एंड मैच द कैपिटल लेटर्स टू स्मॉल लेटर्स अब ये देखें हमारे पास इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या है कैपिटल लेटर है और सामने उसके देखिए आपको स्मॉल लेटर्स नजर आ रहे हैं तो सिंपली हमने क्या करना है कैपिटल लेटर को उसके स्मॉल लेटर के साथ मैच कर देना है तो सबसे पहला लेटर देखें जी था जी को हमने जी के साथ मैच पहले से कर दिया है नेक्स्ट वन इज एच एच तो एच को हमने मैच करना है के साथ अब आप देखें कि आपको कहाँ नजर आ रहा है ये रहा तो हमने इसको इसके साथ मैच कर दिया अब ये क्या लेटर है दिस इज लेटर आई तो हमने इसको इसके स्मॉल लेटर के साथ मैच करना है सो वी हैव एंड ए तो हमने इसको I के साथ मैच कर दिया एंड द नेक्स्ट वन इजे और जे को हम मैच करेंगे ज के साथ यहाँ पे हमारे पास थ्री डिफरेंट लेटर्स है उसमें से देखें आपको जो कहाँ नजर आ रहा है ये रहा तो हमने जे को जो के साथ मैच कर दिया अब हमें है। अब हमारे पास है खे खेई को हमने मैच करना है ख के साथ यानी खिकिंग ख के साथ तो ये रहा किकिंग ख तो हमने इसको भी मैच कर दिया एंड द नेक्स्ट लेटर इज लेटर एल सो वट इज द साउंड सो so दैट हमने इसको मैच करना है के साथ तो ये हमने इसको मैच कर दिया ना वी हैव टीचिंग गाइडलाइंस तो टीचर्स बच्चों को इनकरेज करें कि वो कैपिटल लेटर्स को स्मॉल लेटर्स के साथ मैच करें जैसे मैंने करवाया है अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सो दिस इज पेज नंबर 41 एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी इज से ईच पिक्चर नेम राइट जे टू फिनिश ईच वर्ड अब हमने क्या करना है हमारे पास थ्री डिफरेंट पिक्चर्स हैं और हमने स्टार्ट में क्या लिखना है जे यानी ज टू कंप्लीट द स्पेलिंग्स तो, तो फर्स्ट पिक्चर में देखिए व्हाट इज इट इट्स जेली तो हमने यहां क्या लिखना है वी विल राइट हेयर ज जेली एंड द नेक्स्ट वन इज ज जार एंड द नेक्स्ट वन इज जैकेट से ईच पिक्चर नेम राइट के टू फिनिश ईच वर्ड उसके बाद जो थ्री पिक्चर्स नजर आ रही हैं वी आर गोइंग टू राइट खे खिंग ख लिखना है टू कंप्लीट द स्पेलिंग द फर्स्ट पिक्चर इज कैटल कैटल एंड द नेक्स्ट वन इज खैंग खैंग एंड द लास्ट वन इज खला एंड द लास्ट वन इज ख्वाला ख्वाला तो ये हमने ख लिख लिया तो ये हमने ख लिख लिया अब हम आगे चलते हैं एंड द लास्ट एक्टिविटी इज से ईच पिक्चर नेम राइट लल टू फिनिश ईच वर्ड तो हमने क्या करना है यहाँ पे लि स्म एल लिखना है द फर्स्ट पिक्चर इज लेडी बर्ग सो वी आर गोइंग टू राइट हियर ल एन द नेक्स्ट वन इज लैम द लास्ट वन इज लॉग लेडीबर्ग लैम लॉग जी स्टूडेंट्स आई होप कि आपको लेटर एल सीखने में मजा आया होगा और इसकी फॉर्मेशन भी बहुत इजी है आपने क्या करना है इसकी फॉर्मेशन की करनी है प्रैक्टिस और एक्टिविटीज को करना है कंप्लीट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर एंड हाफिज़ एल की फॉर्मेशन सीखते हैं